अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, आज वो पाइथानी करनी है ना हम लोगों ने। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कल हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने वेरिएबल देखा था, वेरिएबल के साथ ये भी देख लिया था ना इंटीजर डिवीजन। सर आपने पाइथन वाली वीडियो YouTube पे अपलोड नहीं की थी, आपने सिर्फ फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था। क्या बताया था? नहीं, पाइथन वाली है वीडियो मैंने देखी थी कल। ये वाला किया था इंटीजर डिवीजन और ये वो। जी सर, ये किया था सर, इसका एक क्वेश्चन था। जी बोलो सर। इंटीजर डिवीजन करें तो जो होल नंबर जो नीचे वाला था उसकी वैल्यू होता है, अगर हमने अगर मिसाल के तौर पे 2.6 है आंसर आता है तो वो 2 उसका आंसर लाएगा, 3 नहीं लाएगा, हालांकि राउंड ऑफ होकर 3 आना चाहिए। राउंड ऑफ तो कर ही नहीं रहा वो इंटीजर डिवीजन है कि एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो उसके पॉइंट नहीं आते, चाहे 2.9 भी हो। राउंड तो करवाई नहीं है ना, राउंड तो करवाई नहीं है। जी सर, बेहतर ठीक है। अब इसके बाद जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस थी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले, और जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा है कि इसकी तरतीब ये एक्सपोनेंशियल पहले है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और ये है, और फिर ये, और इनमें अगर सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाए तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर फर्स्ट की ऐसे सेम आ जाए तो इसमें किसको पहले करेगा? लेफ्ट टू राइट करेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो पैरेंथेसिस का रोल है वैसे ही है, इंटी ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो पहले मल्टीप्लाई को करेगा, इसको बाद में करेगा, इसी तरीके से पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, इसको करेगा, फिर लेफ्ट टू राइट में पहले ही मल्टीप्लाई करेगा फिर डिवाइड करेगा। जैसे 6 - 3 हो गया, और 9 और 3 9 3 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है। यानी इसमें और इसमें से पहले कौन सा सॉल्व होगा? पहले ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, बाद में ये इसमें। बल्कि हम लोगों ने वैसे भी पहले बहुत सारी डिस्कशन की थी अपने प्रोग्रामिंग वन के अंदर भी की थी, याद है ना आप लोग? तो यहाँ पे सिंपल है, लेफ्ट टू राइट, इसमें ज़्यादा वो नहीं, जंबल नहीं है। जैसे वहाँ पे था ना कुछ लेफ्ट टू राइट थे, कुछ राइट टू लेफ्ट थे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। अब मैथ के फार्मूला ये वो वैसे ही है, क्या आप एक्सप्रेशन को कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये 3 × 12 है, 4xy है, जैसे ये वाली कोई प्रोग्रामिंग वन की तरह जो है मिक्स टाइप। इसमें भी ये है कि आप टाइप कास्ट कर सकते हैं, -0.9 का तो -2 आ जाएगा, इसको प्रिंट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये वाली उस दिन भी शायद बताई थी कि अगर आपके पास कोई लाइन लंबी हो जाए स्टेटमेंट, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो है
तो उसके लिए जो है स्लैश ही होती है, लेकिन कंपाइलर इसको एक ही लाइन कंसीडर करता है। क्या हाथ किसने उठाया भाई, क्या ख्याल है? पाइथन मेनली यूज्ड फॉर, वेरी गुड। ये आपने पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, क्या है भाई? जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और इसके अलावा ये 90s में आई थी, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी इसका रोल है, बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर भी इसका रोल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी ये सपोर्ट करती है। चैप्टर वन के अंदर ये जो बुक मैं शेयर करूंगा उसके अंदर वो सारी लैंग्वेजेस का एक कंपैरिजन टेबल भी बना हुआ है, कौन सी लैंग्वेज कब आई, किस पर्पस के लिए है, वहाँ पे आप देखें। वैसे भी ये बात आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो वैसे भी जो रैंकिंग के अंदर जो पाइथन आपकी अच्छा टॉप पोजिशन पर जा रही, पहली या दूसरी पोजिशन पर ही है, जैसे सर्वेज होते हैं ना लैंग्वेजेस के, तो पाइथन का जो है पहला या दूसरा नंबर ही है। न्यू लाइन भी यूज हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस वेक्टर आप लोगों ने पढ़े हैं ना, ये आपके पास ये वाले सारी चीजें यूज होते हैं, बैक स्लैश एंड टी और ये डबल स्लैश स्लैश प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लाइंस को प्लस के ऑपरेटर से कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ देगा, कंकैटिनेट कर देगा। This is one thing. इकट्ठी मिला रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या है? अदील रजा क्या कह रहा है? अदील रजा हाथ क्यों उठाया भाई? सर अदील का क्वेश्चन है भी। जी बोलो। अबे। क्वेश्चन क्या है जी? हाँ। सर अदील का क्वेश्चन है भाई। दिन का क्या क्वेश्चन है? बोलेगा तो पता चलेगा ना। वो क्या मैसेज किया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं क्वेश्चन। एक ऐसा जी पाइथन तो करेंगे या फिर पाइथन 3? पाइथन 2 पाइथन 3 सही कह रहे हैं। ये जो है ना बात तो तुम्हारी सही है, इसमें पाइथन 3 ही करेंगे हम लोग। और नेट के ऊपर ना पाइथन 2 का भी कोड पड़ा होता है, उसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ चीजें हैं जो फर्क वाली होती हैं, लेकिन अगर आपको एक पाइथन आ जाती है तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि 2 में ये थी और 3 में ये थी। ठीक है जी, तो हमने तो वो लेटेस्ट ये जो है उसका उसी को यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है जी। ये कंकैटिनेशन का हो गया, नंबर को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट का क्या मतलब? मसलन आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या करता है कि वो जैसे सेट प्रोसीजन आप लोगों ने किया था, ये तो ये इसको प्रिंट करवाते हैं तो कितने सारी जो है ना वो वैल्यूज लगा दी। तो हम ये चाहते कि नहीं भी हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे ये है इस तरह कर रहे हैं। 0.2f लिखने का मतलब है कि डार्ट के बाद 2 वैल्यूज आए, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से जाए 0.2f। और इसके लिए फॉर्मेट का जो है फंक्शन यूज होता है, वैल्यू दें और कॉमा डेलिमीटर दे के आप 0.1f करेंगे तो 1 आएगा, 0.2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जितने आपको डिजिट चाहिए उतने आप कर सकते हैं। ये आपके पास जो स्लैश है वो कंटिन्यूटी के लिए है, ये एक ही लाइन है ये सारी। जी जी बोले सर, ये फॉर्मेट वाला दोबारा बता दें। फॉर्मेट वाला ये सेट प्रोसीजन किया था सी में, सेट प्रोसीजन यूज किस तरह किया था वो? उसमें क्या होता था कि पॉइंट के बाद वो 7 डिजिट आती है, बाय डिफॉल्ट फ्लोट की 7 होती है और डबल की 15 होती है, ज्यादा होती है,
तो उनको अब इतनी ज्यादा नहीं लिखना चाहते आप, आप चाहते हैं सिर्फ डॉट के बाद दो डिजिट थे, तो आप इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट में जिस नंबर को भी, जैसे ये है, इसको आपने कहा कि 0.2f पे करें, तो ये क्या करेगा, डॉट के पास सिर्फ दो डिजिट दिखाएगा, बाकियों को वो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक हो गया जी सर। जैसे इसके अलावा जो है टू डेसिमल प्लेस कैन बी यूज्ड फॉर्मेट लाइक नंबर, यहाँ पे ये है। अब जैसे इस नंबर को द एनुअल पे, इसको करेंसी में शो करना है, इसमें शो करना है करेंसी में, तो योर एनुअल पे दी डॉलर साइन साथ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट करके 0.2f किया तो दो ये लगा दिया। फिर इसमें एक चीज और लगाया है, ये सेपरेशन जो है इनके दरमियान, सेपरेशन यानी जहाँ जहाँ कॉमा लगा है, जहाँ जहाँ कॉमा लगा वहाँ पे आपने स्पेस डाली है, यानी अब ये स्पेस कहाँ कहाँ आपने डाली, एक ये डॉलर साइन के बाद स्पेस, डॉलर साइन के बाद, अच्छा डॉलर साइन के बाद स्पेस, यहाँ दरमियान में इसमें स्पेस डाली इज के बाद, इज डॉलर साइन नहीं कॉमा सेपरेशन, मंथली पे ये कैलकुलेट कर लो, ये कॉमा सेपरेशन यहाँ पे, ये इंसर्टिंग कॉमा सेपरेट, इफ यू वांट टू नंबर टू बी फॉर्मेटेड विद कॉमा सेपरेटर, ये दे रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, वैसे भी ऐसे ही करता है ना, इकट्ठी दे देता है, आप ये कॉमा सेपरेशन के साथ देना चाहते हैं, insert a comma into format specifier as shown here, यहाँ पे जो नीचे दिया है, ये शायद by default भी comma separation पे ही है, तभी तो ये देखिए point of fire करके comma खुद ब खुद लगा रहा है, जहाँ जहाँ comma की जरूरत है ये खुद ब खुद लगा रहा है, यहाँ पे इसके साथ में वो comma separation दे भी दिया, इस वाले example में ये चीज देखिए, ये सेपरेशन सेपरेटर कॉमा, ये चीज इसने दे दी, ठीक है जी। तो ये इससे क्या करेगा, वो कॉमे वगैरह लगा देगा दरमियान में जहां जहां जरूरत है। उसके बाद मिनिमम फील्ड विड्थ भी अगर आप देना चाहते हैं, जैसे ये 12 के बाद कॉमा और फिर नेक्स्ट पे जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट कैन आल्सो इंक्लूड मिनिमम फील्ड व्हिच इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस दैट शुड बी यूज्ड टू प्लेस द वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे इसके दरमियान में वैसे तो साथ ही मिला होना चाहिए था, तो यहाँ पे इसने ऐसे कर दिया, ये इसलिए की है कि बार दफा आपने फॉर्मेट देना होता है ना, उसमें आपने मल्टीपल लाइन देनी है, ये तो वैल्यू छोटी हो सकता है बड़ी आ जाए, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कायम रहे। मसलन इस बात को ज़रा समझिएगा कि वो ये क्या, इसको ऐसे क्यों करना चाह रहा है, मसलन मैं ये करता हूँ, ये था ना, इसमें कुछ वो इसमें सेल्फ सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ है इसमें सेल्फ का, ये कर लेते हैं, इसको भी ये किया, ये मैंने कॉपी करना चाहा, और यहाँ पे पाइथन चलाता है, ये आईडीएल आ गया, हम लोग अभी फोल्डर अलग बना लेते हैं, फाइल न्यू, ये मैंने दिया, एक और दे देते हैं कंट्रोल भी, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं दे देते हैं, ये तरफ की आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही, आवाज में बोलिंग मिला तो और आवाज कैसे आएगी, यहाँ पे
इसके अंदर एक फोल्डर आपका बना रहे हैं CSCS CSCS सेकंड इवनिंग का है नहीं मैं का मॉर्निंग इवनिंग है मॉर्निंग में यहाँ पे मैं टेस्ट वन कर रहा हूँ टेस्ट वन ये अभी देख रहे हैं ये 12 का फायदा ये हुआ ये ज्यादा हो गई शायद कुछ कम कर देते हैं यानी अगर आप ये मेरा मोबाइल लेके आओ बेटा उधर ही आया लेके गई नहीं रह